हम कूड़ा को साफ करेंगे, कचड़ा को साफ करेंगे, हम उसकी हीरा मोती को रखेंगे, हीरा मोती रहेगा। भी कहा है उन्होंने कि कूड़ा कचरा बाहरने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बाहरते। ये किसको अधिकार मिल गया है कि ये अपनी बात कहें तो उनका कहते कि साहब जीप काटने के लिए 10 करोड़ का हम इनाम रखेंगे। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ अविनाश। इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय पे हैं, कार्यालय में हैं। जिस तरीके से बिहार में शिक्षा मंत्री को बयान को लेकर बिहार में राजनीतिक चर्चाएं गर्म है, उसी बीच आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह शिवानंद तिवारी ने बहुत कुछ कहा है रामचरितमानस को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रामचरितमानस में कचरा जो है उसको हटाने का बात किया है। क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी, पहले आप पूरा रिपोर्ट सुनिए। दृष्टि गहरी और व्यापक हुए बिना न आनंद मिलता है न समझ। तुलसी का रामायण में आनंद के साथ साथ धर्म भी जुड़ा हुआ है। धर्म शाश्वत है, मानी और वक्ती भी। तुलसी की कविता से निकली हुई अनगिनत रोज की उक्तियां और कहावतें जो आदमी को टिकाती हैं और सीधे रखती हैं, साथ ही ऐसी भी कविता है जो एक बहुत ही क्रूर अथवा क्षणभंगुर धर्म के साथ जुड़ी हुई, जैसे शूद्र या नारी की निंदा और गौ विप्र की पूजा। मोती को चुनने के लिए कूड़ा निकलना जरूरी नहीं है, कूड़ा साफ करते वक्त मोती फेंकना भी जरूरी नहीं है। हमने और क्या कर रहा है, ये चाहते हैं कूड़ा भी है, हम कहते हैं हीरा मोती भी है। नफरत फैलाने की बात उन्होंने नहीं कही थी, हम लोग एक ही बात हम कह रहे हैं कि हम कूड़ा को साफ करेंगे, कचड़ा को साफ करेंगे, हम उसके हीरा मोती को रखेंगे, हीरा मोती रहेगा। बहुत सी चीजें उसमें जो अच्छी है इंसान के लिए, इसमें कहां बहस है भाई। लेकिन पूरे देश में इस बयान की निंदा हो रही है। देश में निंदा नहीं हो रही है, देश में निंदा नहीं हो रही है, गंदे लोग निंदा कर रहे हैं। हम अच्छे लोग, लोहिया जी को करो निंदा, समाजवाद का करो निंदा। देखिए गांधी और लोहिया दोनों जो है वो रामायण को रामायण मेला लगाते थे लोहिया जी, और गांधी ने भी अने राम को आदर्श माना है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मरने के समय मेरे मुंह से राम नहीं निकलेगा तो माना जाएगा कि मैं राम भक्त नहीं हूँ। तो उन्होंने हे राम कहा, मरने के समय कहा। इसलिए हम जो है इस बयान से इत्तफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है। लेकिन भी कहा है उन्होंने कि कूड़ा कचरा बाहरने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बाहरते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूं। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी, ऐसा कहीं नहीं कोई बात नहीं हुई। पार्टी के अंदर जो है इस तरह का मेजर डिसीजन होता है, सुनिए, मेजर डिसीजन होता है। हम भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपको मीटिंग में तय होना चाहिए, तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। ये सही बात है, माने बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया है 1970 में, उसी तरह से मान लीजिए चंद्रशेखर जी ये राय रखते हैं कि उसमें सुदूरों के बारे में माने महिलाओं के बारे में जिस तरह का बयान किया गया है, जिसको कूड़ा कचरा मानते हैं, उसका ही विरोध करने का इनको अधिकार है। लेकिन ये किसको अधिकार मिल गया है कि ये अपनी बात कहें तो उनका कह दे कि साहब जीप काटने के लिए 10 करोड़ का हम इनाम रखेंगे। ये घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग, इसका हम विरोध करते हैं सख्ती के साथ। तो इनको भी अपनी बात कहने का, लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र है। इनको चोट लगी कि नहीं साहब सूत्रों के बारे में उसने कहा है कि पूजिए विप्र के अनुगुण ही ना और पूजिए न सूत्र सबगुण प्रवीणा, यह भी लिखा है तुलसीदास ने लिखा है। लेकिन ये भी साथ लिखा है कि सियाराम में सब जगह जानी, ये भी कहा है कि पढ़ पीड़न सब नहीं अदमाई पर अहित सरस धर्म नहीं भाई। धर्म की इतनी सुंदर परिभाषा भी उन्होंने की है। इसलिए दोनों चीज है, इसलिए लोहिया ने ये कहा। लोहिया तो रामायण मेला लगाते थे, उनके कहने पर मकबूल फिदा हुसैन जैसा आर्टिस्ट जो है बड़ा बड़ा होर्डिंग बनाया, 150, 200, 250 मैंने होर्डिंग बनाया राम के कथा को लेकर के, और उसका एग्जीबिशन हुआ लोगों के अंदर। तो इसलिए ये राम यहाँ कंकन में व्याप्त है। उन्होंने कहा है राम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस विवाद में पड़े बगैर डॉक्टर लोहिया ने कहा है
कि इस देश में जो ऐतिहासिक पुरुष है, बुद्ध ऐतिहासिक पुरुष है, लेकिन बुद्ध के बारे में 100 आदमी से पूछिए तो एकाध आदमी बताएगा कि बुद्ध कौन थे, लेकिन राम के बारे में पूछिए तो गांव देहात का अपढ़ निपढ़ आदमी भी राम का चार गो किस्सा आपको सुना देगा। तो जीवित से भी ज्यादा बड़े हैं, कहीं भी चले जाइए इस देश के किसी भी कोने में, वहां राम की कथा, राम से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो इसलिए ये कहना कि नहीं साहब घृणा फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला है, ये हमको लगा कि ये उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और पार्टी के तरफ से इसका हो कि घृणा फैलाने वाला रामायण है, ये भी कोई किसी तरह का फैसला पार्टी का नहीं है। आपने कुछ लाइनों के, आपने सुना जिस तरीके से जगनानंद सिंह इस रामचरितमानस को लेकर कह रहे हैं कि हमने रामचरितमानस में जो कचरा है उनको हटाने का बात किया है, और जो जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है कि रामचरितमानस कचरा देश में नफरत फैलाने वाली काम कर रही है, जिसको लेकर जगदान सिंह ने साफ तौर पर कहा कि वो देश में नफरत फैलाने के काम नहीं, रामायण में आप उस चीज़ पे गौर करें जो कूड़ा है कचरा उन्हें हटाने का बात किया है, और जो हीरा मोती उनको हम ग्रहण करेंगे, लेकिन जो कचरा है उसको हमने हटाने का बात किया है। और देश में जो लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं वो देश के लोग नहीं हैं, वो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो बीजेपी के लोग हैं जो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। हम लोग समाजवादी हैं और हम लोग पुरजोर तरीके से डॉक्टर चंद्रशेखर जो ने बयान दिया है उस बयान को हम लोग कभी भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कूड़ा कचरा को हटाने का बात किया है और उसमें जो सोना चांदी मोती है उसको हमने ग्रहण करने का बात। उसके बाद शिवानंद तिवारी भी बहुत इस पर गरजे, लगातार कहें कि गांधी लोहिया का जो बात सामने आई है, जिस तरीके से गांधी जी समाजवादी के लिए काम करते उसी तरीके से हम लोग भी समाजवादी हैं और समाज को लेकर ही काम कर रहे हैं। और बहुत कुछ मीडिया के बीच में उन्होंने अपने बात को साझा किया और शिवानंद तिवारी साथ ही साथ बहुत ही गरजे। इसके साथ आज आरजेडी कार्यालय में गणेश दत्त जयंती समारोह का भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें आरजेडी के तमाम नेता मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी माल्यार्पण किए, बिहार के शिक्षा मंत्री भी यहां पे मौजूद हैं, उन्होंने भी माल्यार्पण किया, और इस तरीके से आज का कार्यक्रम उन्होंने समाप्त किया। बाकी के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।